हैं, और सपेरों का कल्चर बहुत पुराने जमाने से चलता आ रहा है। बेजुबान लोगों को परेशान कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा। और कई लोग क्या करते हैं कि सांप काटता है तो उस सांप को मार देते हैं, तो मारना नहीं है। बोलते हैं कि जहाँ पे सांप काटा हुआ है उसको वहाँ पे हल्का सा रगड़ देना, वो जहर मिट जाएगा या फिर वो ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अंधविश्वास है। बोला कि ये तो सांप का थैली कटा हुआ है, आप दांत रखे हो लेकिन उसका थैली काट दी हो, जड़ी बूटी से पकड़ते हो। देखो अंधविश्वास पूरा चल रहा है और ये पूरा सांप मरने वाला है, कोई सा सांप नहीं बचेगा। और देखो अब ये लोग भाग रहे हैं। What's up beautiful people, this is Marty here, ki hal chal sas re gal। आज का कुछ ब्लॉग नहीं होने वाला है, आज एक सिर्फ इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता लग चुका है कि शिवरात्रि का महीना स्टार्ट हो चुका है, तो उसी के रिलेटेड ये वीडियो होने वाला है, जो कि मैं अपने आंखों से देखा तो मेरे को बहुत ही ज्यादा खराब लगा उसको देख के। और मैं किसी को हेट इसमें नहीं देने वाला हूँ, अपने हिसाब से मैं जो देखा वो चीज ये वीडियो में बोलने वाला हूँ, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात कुछ ऐसा है, आज से ठीक 2-3 दिन पहले हमारे कॉलोनी में सपेरे आए थे जो कि सांप दिखाते हैं, और सपेरों का कल्चर बहुत पुराने जमाने से चलता आ रहा है, जो कि वो सांप पकड़ते थे और उसको अपने फैमिली टाइप ट्रीट करते थे। और आजकल के जमाने में क्या हो रहा है, सांप पकड़ रहे हैं और उसको जगह जगह जाके अंधविश्वास भी फैला रहे हैं, उनको परेशान भी कर रहे हैं, जो कि बेजुबान है, बहुत ही ज्यादा परेशान है। उनको खाना पीना नहीं दिया जा रहा है, और सपेरा बनकर आजकल के लोग लोगों से पैसा मांगकर उस सांप को दिखाकर नशा कर रहे हैं, और बेजुबान को परेशान करके पैसा कमाना बोलने से बहुत ही ज्यादा गलत है, लेकिन वो भी अपने पेट पालने के लिए कर रहे हैं और कई नशे के लिए कर रहे हैं। और आज और पहले के सपेरों में बहुत ही ज्यादा फर्क है। जब पहले के लोग अपने सांपों को पूरे फैमिली टाइप ट्रीट करते थे, खाना पीना सब कुछ अच्छे से देते थे, और आजकल के सपेरे कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और उनका दांत तोड़ के उनका जहर निकाल के बहुत ही ज्यादा उनको परेशान कर रहे हैं। और मैं उनको बोला आप इसका दांत तोड़े हो, तो वो बस एक अजगर को दिखाए मेरे को कि इसका दांत है करके, और वो बाकी सांप को नहीं दिखाए। और ये सांप ठीक है, सब में दांत है, सब हाँ ये वाला में ये भूखा है, ये भूखा नहीं है, ये कहाँ गया, ये कैसे भूखा हुआ, इसके नीचे वाला ये कैसे भूखा है, तो डार कराए थे, ये तो अहिराज है। हाँ अहिर ये भूखा नहीं है, नहीं है उठा खाली करेगा तो इसको दांत अच्छा है, कोई है सब दांत। मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ, वो अपने पेट के लिए कर रहे हैं, अगर वो नशा भी कर रहे हैं ना, किसी बेजुबान को इतना परेशान कर नशा कर रहे हैं। यार अजगर सांप के पीला भाई, अजगर अजगर ये यार जिन आदमी ला चाप रही ना, ये सर चापे ले आदमी हर टकल टकल के मर थे भाई, ये कर चापे ले पूरा मांस सर गल थे भाई गल थे, ये बताए अजगर सांप ये ला बंद कर बाबू, ये कलर के बंद कर। जैसा की मैंने बात किया अजगर सांप का, तो अजगर सांप में जहर नहीं होता, दांत से खाना को खाते नहीं है, वो निगल जाते हैं। जैसे कि जहर वाले सांप हुए नांग करैट और कई प्रकार के, वो लोग क्या करते हैं अपने जो दांतों से अपने जो शिकार रहते हैं उसमें अपना जहर को इंजेक्ट करते हैं, उसको खाते हैं शिकार को, तो उससे उनको आगे पचाने में आसानी होता है, वो आराम से जी पाते हैं। तो अभी के लोग क्या कर रहे हैं कि दांत को तोड़ देते हैं, और इन सांपों का जो उम्र है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जा रहा है, और जब इनका जहर निकाला जाता है बहुत ही ज्यादा वो सांप परेशान रहते हैं, जो कि एकदम अट्रैक्टिव लगते हैं, जगह जगह जा दिखाने के बाद वो सांप जैसे ही बोलो तो अपना पोटली लाते हैं या डब्बा जो भी लाते हैं, उसको जैसे ही निकालते हैं वो फन उठाते हैं, तो लोगों को लगता है कि सपेरा के इशारों में सांप नाच रहा है, लेकिन वो उनके इशारे में नहीं नाचता, बहुत ही ज्यादा गुस्सेला रहता है, वो ये उनका जहर को उनका थैली को निकाले हुए रहते हैं, ये चाहते हैं कि हम इनके ऊपर अटैक करें। वो लोग जब खाना खाते हैं तो उस खाने को पचा भी नहीं पाते, इस कारण से
कई सपेरे उनको खाना भी नहीं देते, और जैसे ही वो खाना नहीं खाते वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है, इससे उनकी उम्र बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। और तगड़ा है भाई, कई सांप तो बस 15 दिन या 30 दिन बिना खाए हुए रहते हैं और उनका डेथ हो जाता है, या फिर वो कहीं पर मार के फेंक देते हैं या फिर जंगल में छोड़ देते हैं, छोड़ दिए हैं और फिर वो दूसरा सांप पकड़ने में लग जाते हैं। दाल चावल भाई, आप लोगों ने देखा होगा कई सारे सपेरे ऐसा लगता है कि दांत को दिखाते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा कि वो दांत को दिखाते हैं ईल से, या फिर अपने वो कपड़े पहने रहते हैं उससे करके ना दिखाते हैं सांप के दांत को, सांप के दांत को दिखाते हैं। पर मैं एक जगह देखा था, मेरे कॉलोनी में ही आया हुआ था, एक जगह मेरे को वो दिखाया तो मैं बोला कि उसको आप तो दांत तोड़ दिए होगे, तब आप इतना पास से सांप को इस टाइप से ट्रीट कर रहे हो तो दांत टूटा होगा, तो वो मेरे को दांत अब सांप को ऐसे चीर के दिखाया कि ये देखो सांप का दांत है, अपने कपड़ों में फंसा के दिखाया। मेरे को शक हुआ थोड़ा सा, तो मैं उनको बोला कि थोड़ा सा सांप का मुंह को थोड़ा सा और फाड़े, मैं देखा कि उनका जो सांप का जो थैली रहता है जहर वाला वो कटा हुआ था, तो मैं बोला कि ये तो सांप का थैली कटा हुआ है, आप दांत रखे हो लेकिन उसका थैली काट दी हो। तो फिर वो भागने लगा, और मैं ऐसे बहुत ही सारा केस देखा हूँ बहुत ही जगह जाके। हमारे कॉलोनी में ऐसे आते रहते हैं आजकल जो सपेरे आते हैं, बहुत ही सारे सपेरे, वो क्या कर रहे हैं अभी, अंधविश्वास कर रहे हैं, जो सांप को लेके अंधविश्वास कर रहे हैं। ये बोलते हैं कि जिस इंसान को वो सांप काटा रहता है उससे वो जहर वापिस ले सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको सांप काट रहा है तो आप हॉस्पिटल जाइए, कुछ भी अंधविश्वास में ना पड़े। और ये क्या करते हैं, एक पत्थर रखे रहते हैं या फिर कुछ ताबीज बनाए हुए रहते हैं, तो उसको देते हैं और लोगों से पैसा लेते हैं और बोलते हैं कि जहाँ पे सांप काटा हुआ है उसको वहाँ पे हल्का सा रगड़ देना, वो जहर मिट जाएगा या फिर वो ठीक हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अंधविश्वास है। ये कलिए मैं दवाई चरे हूँ भाई, दवाई ये कलिए मैं जंगल के दवाई चरे हूँ नरसिंहनाथ के भाई, नरसिंहनाथ के जड़ी बूटी खाए हैं दादा। आपको अगर सांप काट रहे हैं तो आपके कहीं आसपास किसी को भी सांप काट रहा है तो आपको बस क्या करना है, आपके नजदीकी जो हॉस्पिटल है वहां पर आपको उनको लेके जाना है और वहां पर बोलना है जितना जल्दी हो सके इनको एंटी वेनम लगाए हुए। आपको बोलना तो नहीं पड़ेगा, वहां पे हॉस्पिटल वो एंटी वेनम उनको सबसे पहले लगा देंगे। और आप सभी को एक चीज ध्यान रखना है कि जब सांप काटता है तो उसके बाद पता करना है कि कौन सा सांप काटा है। जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको पूछा जाएगा कि कौन सा सांप काटा है, तो उस हिसाब से वो लोग एंटी वेनम इंजेक्शन देते हैं ताकि उनको भी पता लग सके कि कौन सा सांप काटा है, करेक्ट काटा है या फिर ना काटा है, उसके हिसाब से वो एंटी वेनम देते हैं। कई लोगों को कई बार बिना जहर वाला भी सांप काट देता है और कई लोगों को जहर वाला काट देता है, तो उसको हमको ध्यान रखना है। और बिना जहर वाला काट देता है तो लोग घबरा जाते हैं और वहाँ पे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, जिससे वो जिस बंदे को काटा हुआ है सांप वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और उसको इसी वजह से हार्ट अटैक आ जाता है। जिसको भी सांप काटा है वहाँ पे हमको ज़्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं करना है। कई लोग अपना मतलब अलग अलग बात चलाते हैं कि इस टाइप से करो, किसी पंडित के पास चले जाओ, किसी बैगा के पास ले जाओ, तो इस टाइप का कुछ नहीं करना है। आपको आसपास जो हॉस्पिटल है, निजी अस्पताल है, वहाँ पर आपको लेके जाना है और बताना है कि ये सांप काटा है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा सांप उनको काटा है। और आपको अगर जहर वाला सांप काटे तो भी आपको हॉस्पिटल जाना है, और बिना जहर वाला सांप काटे तो भी आपको हॉस्पिटल जाना है। और वहां पर जाके अगर आपका ब्लड टेस्ट होता है या फिर कुछ करते हैं डॉक्टर, तो वो आपको करने देना है ताकि उनको पता लग सके कि आपके जो बॉडी के अंदर कौन सा जहर फैला हुआ है, अगर जहर वाला नहीं है तो कौन सा सांप काटा हुआ है, वो चीज़ पता लग सके ताकि वो अपना ट्रीटमेंट आगे का चालू कर सके। जहर वाला सांप नहीं भी काटा होगा तो अपने आप को आप डॉक्टर मत समझना, बिना जहर वाला सांप अगर आपको काटा है तब भी हॉस्पिटल जाना ही।
ये ज्यादा केस गांव में देखने को मिलता है क्योंकि वहां पे जंगल इलाका रहता है और वहां पे सांप जंगली जानवर बहुत ही ज्यादा देखने को मिलते हैं। पर सांप कभी काटता नहीं है, अगर वो परेशान हुआ या उसको डर लगा तो वो तभी काटता है, नहीं तो वो किसी के ऊपर अटैक नहीं करता है। अगर गांव में कहीं से आप गांव से देख रहे हो तो आपको कोई सलाह दे कि आप इस बाबा के पास जाओ या किसी बैगा के पास जाओ, फूक झाड़ करवाओ या फिर कोई पत्थर दिया हुआ है तो उसको रगड़ो, आप ये करो, आप वो करो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा हॉस्पिटल जाना है और वहीं पर अपना ट्रीटमेंट करवाना है। कई लोग क्या करते हैं कि सांप काटता है तो सांप को मार देते हैं, तो मारना नहीं है उसको, सेव किसी जंगल एरिया में जाके छोड़ना है ताकि वो सांप भी बच सके और जो जिनको सांप काटा है उनको जल्द से जल्द किसी निजी हॉस्पिटल में पहुंचाए ताकि उनका जान जल्दी बच सके। ये देखो भाई, अंधविश्वास हो रहा है यहाँ पे और बेजुबान लोगों को परेशान कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा, और ये लोग सब सांप लोग मर जाएगा, लेकिन कमाना खाना है इसीलिए कुछ भी नहीं बोल सकते हम। ये चारा खाए कि नहीं, देखे कल बीच खुले कि नहीं, ये तो ठीक है, ये सांप ठीक है, ये सांप ठीक है, सब में दांत है सब। मेरे किसी बात का आपको भी बुरा लगा होगा तो उसके लिए सॉरी, किसी भी सपेरे भाइयों को बुरा लगा होगा तो उसके लिए सॉरी। सभी जो सांप पकड़ते हैं उनको अच्छे से ट्रीट करें, अच्छे से रखें, उनका दांत ना तोड़े, उनका जहर ना निकाले ताकि उनका भी जो जीवन है वो अच्छे से यापन हो सके। सांप को कई लोग मार देते हैं तो प्लीज सांप को कभी मत मारना, क्योंकि जो भगवान है वो इस प्रकृति में सांपों का बहुत ही ज्यादा जरूरत है, तभी भगवान ने सांपों को भी इस प्रकृति में दिया हुआ है। सांपों से हमको ये फायदा होता है कि जो किसान भाई है उनके खेत में कीड़े मकोड़े मेंढक ये सब उनके फसल को बर्बाद कर देते हैं, तो सांप का भी बहुत ही ज्यादा बड़ा योगदान रहता है उस खेत को बचाने में, उस जगह को बचाने में, और कई से जगहों में सांप ही बहुत ही ज्यादा साथ देते हैं। जड़ी बूटी से पकड़ते हो? नमक जितने भी बेजुबान है वो किसी ना किसी प्रकार के लिए भगवान ने उनको बनाया हुआ है। आप सभी को पता है कि हमारे इंडियन कल्चर में सांपों को बहुत ही ज्यादा मान्यता दिया जाता है, कई जगहों में उनकी पूजा की जाती है और कई जगह उनको भगवान मानते हैं। मैं किसी भी सपेरा का बुरा नहीं चाहता या किसी भी कल्चर का बुरा नहीं चाहता, क्योंकि उनका भी कुछ पेट पालने का एक जरिया बनाते हैं वो लोग। सांपों को पकड़े और उसको अच्छी तरीके से ट्रीट करें, अच्छी तरीके से रखें, जैसे कि पहले के जमाने में लोग रखते थे, उन सांपों को फैमिली की तरह मानते थे। दादी आजा, बाप बाप 14 बाप के आओ। देखो अंधविश्वास पूरा चल रहा है और ये मरने वाला है, कोई सा सांप नहीं बचेगा, और देखो अब ये लोग भाग रहे हैं। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना, और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। मिलते हैं सी किसी बढ़िया वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट डे बाय 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 बाय।